गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप विंटर्स में साड़ी कैसे स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंटली। उसके लिए आपको बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से साड़ी वियर करनी है जैसे मैंने वियर की है। अच्छा, मैं यहाँ एक प्लेन पे मतलब बिल्कुल प्लेन पीस वियर किया हुआ है। सॉरी अगर बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो प्लेन पीस वियर किया हुआ। आप कोई भी साड़ी को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने आप देखेंगे टी नेक टाइप का टॉप वियर किया हुआ है। चाहे तो आप कोई वुलन टॉप वेयर कर सकते हैं या फिर कोई हाई नेक इसकी भी टाइप्स वो वेयर कर सकते हैं जो भी आपको वेयर करना हो। अच्छा, सर्दियों में जब साड़ी पहननी होती है तो कार्डिगन पहनते ही पूरा लुक चला जाता है। जैसे कि मुझे पहननी पड़ती है तो मुझे पता है कि पूरा लुक चला जाता है। लेकिन अगर आपको साड़ी डिफरेंटली स्टाइल करनी तो उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल प्लेट्स बनानी है। सॉरी, ये आप देखिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल प्लेट्स बनाई हुई है। बस हमें पल्लू की लेंथ लेनी है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए मैंने बिल्कुल फ्लोर टच हो रखा है, उससे ज़्यादा ये इतना पल्लू लिया है। तो नॉर्मल साड़ी तो ड्रेप करनी सभी को आती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी जो एंड एज है यानी कि इसके पल्लू की प्लेट्स बनानी है लाइक दिस। अच्छा, मैं पहली बार कोई साड़ी इस तरह से वियर करके दिखा रही हूँ तो प्लीज़ अगर गलती हो जाए तो इग्नोर करना। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से इसकी प्लेट्स को हमें पकड़ना है इक्वली। और मतलब नॉर्मली जैसे हम लेते हैं लुक एट दिस, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं रखना इसको और बहुत छोटा भी नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये प्लेट्स इक्वल करेंगे। तो मैं बिना मिरर के पहन रही हूँ तो मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा। इसके बाद सेफ्टी पिन से यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। सेफ्टी पिन लिया और अंदर से इसको टक कर लिया। बिल्कुल आगे मत करना, एकदम सेंटर में करना। मतलब अगर ज़्यादा पीछे करते हैं टग तो पल्लू आगे से गिरेगा, आगे करेंगे तो पीछे से गिरेगा। इसलिए इसको सेंटर में टक करना और जब आप मिरर में देख के करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन आप देखेंगे काफ़ी लूज है क्योंकि हमने पल्लू बढ़ा लिया था, तो ये वाला पोर्शन है काफ़ी लूज। देन मैं क्या करूँगी, इधर से ये इस तरह से उठाया कि बैक साइड से आप देखेंगे एकदम टाइट हो जाएगा और आगे से इसे एक वी शेप दिया। आई होप के क्लियर हो रहा होगा। देन इसको यहाँ पर पकड़ा और अगेन सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको हमने टक कर दिया, जिसके लिए हमेशा मैं विक्रांत की हेल्प लेती हूँ क्योंकि अपने आप हो नहीं पाता, लेकिन मैंने कर दिया। ठीक है, ये आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, मतलब ये कैसा लगेगा जैसे आपने ड्रेस पहनी हुई है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिफरेंट कलर का टॉप है, लाइक मैंने ब्लैक वियर किया है, ग्रीन के साथ इतना ज़्यादा अलग से नहीं दिख रहा, लेकिन आप कोई डिफरेंट टॉप वियर कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पर प्लेट्स जो हैं ये आप देखिए, फर्स्ट जो इसका पॉइंट था ना, इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और ये दिखेगा नहीं, निकलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर प्लेट्स आ गई और इसको ऐसे पकड़ के पूरा कवर करके देन मैं बेल्ट पहन लूँगी। यहाँ पर मैं एक गोल्डन बेल्ट यूज़ कर रही हूँ जो मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे स्टाइल करके बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से बेल्ट पहनकर अब मुझे विक्रांत की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो पहले मैं एक बार लुक रेडी कर लेती हूँ। और ये देखिए मतलब मिरर में देखकर ना इसको इस तरह से एडजस्ट करना है जैसे आपने यहाँ पर ना वी नेक कुछ पहना है। एक तरफ प्लेट्स आएंगी और दूसरी तरफ ये प्लेन पोर्शन आएगा, लुक एट दिस। ठीक है, और ये वाली प्लेट्स हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इस तरह से पल्लू को खींचेंगे तो ये हो गया पूरा एडजस्ट। उसके बाद क्योंकि मैंने बताया था टी नेक पहना हुआ, इसलिए मैंने इस तरह का चोकर वियर किया हुआ है कि ये टी नेक छिप जाए। डन, ठीक है, मैचिंग हो गया तो लुक अच्छा आया। गोल्डन कलर से है, मतलब बिल्कुल भी मैंने ऑड नहीं पहना। लाइक अगर गोल्डन है तो गोल्डन, आप सिल्वर बेल्ट पहने तो पूरी सिल्वर ज्वेलरी पेयर अप करें। इसके बाद मेरा लुक ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। Look at this.
ये आप देखिए बहुत ही प्रिटी है, पहनने के बाद लगी लाइक एकदम प्लेन साड़ी लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगी। आप किसी सीक्वेंस साड़ी को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं तो और भी प्यारी एकदम ड्रेस का लुक आएगा। आई होप गाइज वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आया तो मुझे वो भी बता देना। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी कि कैसे मुझे समझाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।